बात करते हैं डॉक्टर फार्मासिस्ट संदीप बाजपेयी जी से, जो कि बेहतर सेवा और व्यवसाय सीएचसी में दे रहे हैं सबके सबके प्रति, और स्थानीय कस्बा में नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि आज पर्व महापर्व है, जो दीपावली जो प्रत्येक वर्ष की भांत हर वर्ष आता है, लेकिन हम बात करेंगे पूरी संक्षेप में कि ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। जहाँ तक हमारी जानकारी है वहाँ तक ये है कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध करके लंका से अयोध्या वापस आए थे, तो उस समय जो है यही कार्तिक मास था और कृष्ण पक्ष की ये अमावस्या थी। तो उस दिन पूरे अयोध्या वासियों ने अपने भगवान राम के स्वागत के लिए दीप जलाए थे और रंगोली बनाई थी तथा माता सीता का लक्ष्मी रूप में पूजन किया था। उसी लिए जो है तब से आज तक ये दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और हम लोग प्रतिवर्ष वैसे ही ये पर्व मनाते हैं। अच्छा, किस दिन मनाया जाता है ये जो किस माह में? कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि होती है उसको मनाया जाता है, उसमें मनाया जाता है। जैसे घरों में अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर लोग मूर्तियों और मंदिरों के रूप में सजाते हैं और रंगोली भी बनाते हैं अच्छा अच्छा मतलब, और सब परिवार जो है पूजन अर्चन करते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है कि सब लोग एक जगह ही जो है? अब इसका तात्पर्य यह है कि जैसे अपने घर में जब कोई नया आदमी नया व्यक्ति आता है तो उसके स्वागत के लिए सभी लोग आते हैं। तो उस समय जब भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में रावण का वध करके 14 सालों के बाद वापस अपने घर आए थे, तो घर के सभी लोग पूरे अयोध्या के नगर के लोग पूरे साकेत धाम के लोग जो है उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने उनका स्वागत किया था, दीप जलाया था, वही परपाटी आज भी चली आ रही है। अच्छा, उसी परिपेक्ष में जो है ये कार्यक्रम आज भी जो है लोग मनाते हैं। वो आपको पता ही है कि कुंवर मास की जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उस दिन दशहरा होता है, उसी दिन रावण का वध हुआ था। उसके बाद 20 दिन का समय है बीच में, ये 20 दिन का समय विभीषण जी का राज्याभिषेक करने में और वहाँ से वापस आने में फिर किष्किंधा में रुकने में ये सब समय जो है भगवान का जो है लगा बीच में धीरे धीरे करके 20 दिन के बाद वो अयोध्या वापस पहुँचे, तब से पर्व मनाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं डॉक्टर साहब कि जैसे आपने कहा कि रावण का वध, इसको लोग नकारात्मक सोच सकते हैं कि उसका वध नहीं होना चाहिए? ये तो देखिए, अत्याचारी का वध तो हमेशा होगा ही, अत्याचार जो कर रहा है उसका तो, क्योंकि रावण को बहुत प्रकांड विद्वान मानते हैं। देखिए, ये आप प्रकांड विद्वान थे ये बात ठीक है, लेकिन जहाँ आपकी विद्वंतता जो है आपके कुलकृत्यों पर भारी पड़ जाती है वहाँ आपकी वो विद्वत्ता किसी काम की नहीं रह जाती है। तो क्या उसको मतलब ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण के कुल में पैदा होना और उसको लोग कथक बेकार मानते कि नहीं वध करना चाहिए था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्यों नहीं करना चाहिए था? अगर कोई किसी कुल में पैदा हुआ है या कोई किसी की ये जो अपराध होता है जाति धर्म से थोड़ा संबंधित होता है? नहीं, ये जो अक्सर लोगों के जुबानी जो मतलब कहा सुना जा रहा है उसके परिपेक्ष में हम बता रहे हैं कि लोग तो बता रहे हैं, समाज की मानसिकता है और समाज अपना जो भी सोच रहा है उस पर हम क्या बताएं, लेकिन कभी कुकृत्य को जो है जात और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। कुकृत्य का कोई जात और धर्म नहीं होता है, और जहाँ आप विद्वान हैं अच्छी बात है, आप अच्छे विद्वान हैं, लेकिन जहाँ पर आप गलत काम करने लगेंगे वहाँ आपकी विद्वता जो है वो गलत कार्यों के में जो है छीन हो जाएगी। इसका मतलब है जो आपका कहना है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें जो है चाहे जिस से हो लेकिन उसको जो है जात धर्म थोड़े माने रखता है इस चीज़ में।